फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बनाते हैं खस्ता कचौड़ी। तो आज जो हम खस्ता कचौड़ी बनाएंगे उसमें हमने सूजी या मोयम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है और ना ही हमने आरा रोट डाला है। इसे हमने केवल गेहूं के आटे से एकदम खस्ता कचौड़ी हमें बनाना है। तो देखिए, हमने ये कटोरी गेहूँ का आटा लिया है, इसे हमें गूंथना है। इसे ना ही तो बहुत हार्ड रखना है ना ही बहुत सॉफ्ट रखना है। तो चलिए हम पहले इसे गूंथ लेते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे अच्छे से गूंथ लें। इसमें हमें किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही तो हमें नमक का इस्तेमाल करना है, ना ही तो हमें इसमें रिफाइंड ऑयल डालना है और ना सूजी। देखिए, हम केवल गेहूं के आटे से एकदम खस्ता कचौड़ी ऐसे बनाएंगे जैसे मार्केट की होती है। तो इस तरह हमें नरम आटे को गूंथ लेना है। चलिए, इसे पहले अच्छे से गूंथते हैं। तो देखिए, इसे हमने अच्छे से गूंथ लिया। इसे बहुत सॉफ्ट नहीं गूंथना, ना ही तो बहुत हार्ड रखना है। तो देखिए, आटे को हमने गूंथ लिया है। अब इसकी हम लोइयां बनाएंगे। तो लोइयां हमें मीडियम रखनी, ना तो बहुत छोटी रखनी, ना ही तो बहुत बड़ी रखनी है। लोइयों का साइज जो है वो हम मीडियम रखेंगे। तो देखिए, इस तरह हमने लोइयां सब बना लेनी है। तो चलिए, हम पहले सारी लोइयां बना लेते हैं। तो देखिए, सारी लोइयां हमने बना ली हैं। अब इन्हें बेलना है। तो बेलने के लिए हम चाहे तो आप सूखा आटा ले लें, नहीं तो थोड़ा सा ऑयल इसमें लगा के इसे बेल सकते हैं। तो देखिए, हम इसे बेल रहे हैं। इसका साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मोटा ही रहे तो अच्छा है। इसे बहुत पतला ना करें, जैसे कचौड़ियों की साइज होती है सेम वैसे ही रखना है। तो देखिए, ये हमने बना ली है। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं कितना मोटा है। तो इसी तरह हमने सारी कचौड़ियों को बेल लेना है। पहले हम इसे बेल लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, सारी कचौड़ियाँ हमने बेल ली हैं। चलिए, इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो देखिए, कचौड़ियों को बनाने के लिए हमने आयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके कचौड़ियाँ डालेंगे। इसे आपको हाई फ्लेम पे छानना है, लो फ्लेम नहीं रखना है इसका। इसे हमें हाई फ्लेम पे छानना है और इसे बस थोड़ा सा ही पकाना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस ये फूल जाए तो इसे दूसरी साइड पलट दें और फिर दो चार सेकंड के बाद इसको निकाल देंगे हम। तो देखिए, एक तरफ फूलने लगी, इसको हम पलट देंगे। इसे केवल हमें 20-30% ही पकाना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना। तो आप उस हिसाब से इसको पकाएं बस। देखिए, हमने इसे पलट दिया है। अभी ये हुई नहीं है, हमारी कचौड़ियाँ अच्छे से पकी नहीं हैं, इन्हें हमें पकाना नहीं, बस क्यों नहीं, इन्हें फुलाना है हमें। और जब ये फूल जाए तो पलट दीजिए इन्हें। ये खस्ता कचौड़ी आप चाहें तो, अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहा है तो आप पहले बना के रख लें और फिर गरम गरम फिर से सेक के इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये हो गया है, इसे हमने निकाल लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल अभी हुई नहीं है, केवल फूल गई है बस। इसे हमें इसी तरीके से निकाल लेना है। अब हम जो आगे बताएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि ये कचौड़ियाँ इतनी कुरकुरी कैसे होंगी। तब तक हम बाकी बची हुई जो हमारी कचौड़ियाँ उन्हें भी हम अच्छे से छान लेते हैं। इन्हें आपको लाल नहीं करना बिल्कुल भी, ये लाल नहीं है, थोड़ी सी फूल जाए। बस इनके फूलने तक ही आपको इन्हें पकाना है। तेल को इसके ऊपर से डालते रहेंगे तो कचौड़ियाँ जो हैं वो जल्दी फूल जाएंगी। देखिए, ये हमारे फूल गए। इसे हम एक बार दूसरी तरफ पलट देते हैं ताकि अच्छे से फूल जाएं। अगर आप सोचेंगे कि इसे एक ही बार में आप पका के कुरकुरी बना लें तो ये एक बार में पकाने से कुरकुरी नहीं बनती, इसके लिए आपको दो बार इसे सेकना पड़ेगा। देखिए, ये भी हो गया हमारा, इसे भी हम निकाल लेते हैं। आप दोनों साइड से देखिए, ये बिल्कुल भी लाल नहीं हुई है, इनका कलर ब्राउन बिल्कुल नहीं हुआ है। तो आपको इसी तरह से निकालना है। एक तरीके से आप इसे कच्ची पूड़ी भी कह सकते हैं कि ये कच्ची हैं कचौड़ियाँ जो हमारी बना रहे हैं हम। इन्हें इसी तरह से ऐसे निकाल लें आप।
इन्हें 10 से 5 मिनट के लिए रख दें, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएं, फिर हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो हमें 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया है, पूड़ी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं। तो आपको जब भी पूड़ियाँ बनाना हो तो आप इसे 1-2 घंटे पहले बना के रख लें, और जब आपको सर्व करना हो तो इसे फिर से आप सेक लें। तो इसे हमें तोड़ना है, इन्हें तोड़ के हमें अलग नहीं करना है, हमें ऐसे तोड़ना है कि ये आपस में जुड़ी रहें। तो देखिए ये हमने इस तरह तोड़ दिया है, इसे सावधानी से तोड़े, ये अलग ना हो। तो देखिए ये हमने इस तरीके से तोड़ के इन्हें अलग कर दिया है। इसी तरह हम सारी पूड़ियों को तोड़ लेंगे और इन्हें फिर से फ्राई करना शुरू करते हैं। तो दोबारा जब अब हम फ्राई करेंगे तब ये कचौड़ियाँ जो हैं वो बहुत ही कुरकुरी बनेंगी। तो आपके घर जब भी मेहमान हो, आने वाले हों, तो आप इन्हें 1-2 घंटे बना के रख लें पहले से, फिर इन्हें अच्छे से फ्राई करके सर्व कर दें। तो चलिए हम इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फ्राई करने के लिए हमने गैस पे पैन रख दिया है, ऑयल वगैरह गर्म हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, क्योंकि दोबारा जब हम पूड़ियों को फ्राई करेंगे तो हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है, जिससे पूड़ियाँ जो हैं वो क्रिस्पी बने। चलिए हमें इसी तरह एक एक दो करके डालना है, इन्हें लो फ्लेम पे सेकना है जब तक इनका कलर जो है वो डार्क ब्राउन जैसा ना हो जाए तब तक। ये बहुत आसान रेसिपी है, बिना सूजी के या बिना मोयम के आप आराम से इसे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको अरारूट वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर टेस्ट ये बिल्कुल मार्केट जैसे खस्ता कचौड़ी का देता है। तो इन्हें पलट देते हैं, हम दूसरी तरफ अच्छे से सिकने देते हैं, इतनी जगह है तो मैं एक और डाल देती हूँ होने के लिए। इसे हमेशा लो फ्लेम पे सेकें, नहीं तो ये पक जाएंगे जल्दी, नहीं और ये जो इसका जो वो है टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसे दोबारा जब भी आप सेकें तो लो फ्लेम पे सेकें, लो फ्लेम पे सेकने से इसमें क्रिस्पी बनाएगा अच्छा सा, नहीं तो ये थोड़ी देर बाद अगर आप हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो थोड़ी देर बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। लो फ्लेम पे सेकने से ये पूरे दिन ऐसे ही क्रिस्पी पड़ी रहेंगी, आप चाहे जब इसे खाएं। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी कचौड़ियाँ जो हैं वो मुड़ नहीं रही हैं, क्योंकि हमने इसके टुकड़े किए उसके बाद भी ये बिल्कुल मुड़ नहीं रही है। देखिए ये बिल्कुल, देखिए इसे हमें फिर से सेकना थोड़ी देर के लिए और। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। और आप इसे पहले बना के रख लीजिए 1-2 घंटे पहले, और जब सर्व करना हो तो आप इसे फिर से फ्राई करें और फिर सर्व कर दें। एक घंटे पहले 2 घंटे पहले आपको ये वाली पूड़ियाँ छान के रखना है, इसे आप खाते समय ही फ्राई करें। देखिए ये हो गई है अच्छे से, अभी हम आपको दिखाते हैं कि कितनी क्रिस्पी हैं। इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने दें, इन्हें हम छान लेते हैं। इसी तरह हम बाकी बची पूड़ियों को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से कचौड़ियाँ हो गई हैं, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये कितनी क्रिस्पी है वो पता चल रहा है आपको। तो चलिए बाकी बची कचौड़ियों को भी छान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कचौड़ियाँ हमने बना ली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी हैं। आप ये चाहें तो सॉस के साथ, नहीं तो आप सब्जी भी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितनी क्रिस्पी है, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। देखा फ्रेंड कितनी क्रिस्पी है, आप इसे बना के रख लें, पूरे दिन वैसे ही क्रिस्पी पड़ी रहती हैं। और इसे तोड़ के ज़रूर बनाएं, अगर आप इसे तोड़ के इस तरह अलग नहीं करेंगे इस तरीके से तो ये क्रिस्पी नहीं होगी, तो इसलिए इसको तोड़ना ज़रूरी है। तो आप इस तरह से तोड़ के तब इसे दोबारा फ्राई करें। तो फ्रेंड्स इसे बनाइए, बना के एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।